नमस्कार, हमारी खास पेशकश बिग डिबेट में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ बुशरा। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना यूं ही चालू रहेगी या फिर बंद हो जाएगी, ये प्रदेश घर में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें लाडली बहना योजना का जिक्र तक नहीं हुआ। इसके बाद लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस नेताओं ने कई सवाल उठाए हैं। वहीं आज हाउस में सभी योजनाएं चलेंगी, सीएम मोहन यादव ने साफ कर दिया, लेकिन जब लाडली बहना का जिक्र नहीं हुआ तो इसको लेकर कांग्रेस ने भरपूर हंगामा किया। पहले इस पर एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। सिर्फ 22 लाख महिलाओं को 450 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है। लाडली बहनों को आवास योजना का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी विधायक कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि बीजेपी का संकल्प पत्र नहीं, मोदी की गारंटी है। ये गारंटी हर हाल में पूरी होगी। पहले गड्ढे वाली सरकार थी और अंधेरे वाला प्रदेश था, और अब सरप्लस बिजली वाला स्टेट मध्य प्रदेश है। महाकाल लोक बनते ही इंदौर की इकोनॉमी बदल गई। उज्जैन के होटल तो भरते ही हैं, इंदौर में भी होटल फुल होते हैं। प्रतिदिन 1.5 लाख लोग यहां पहुंचते हैं। इंदौर के मिल मजदूरों के भुगतान को लेकर मुख्यमंत्री यादव ने बड़ा फैसला लिया है। बहरहाल पक्ष विपक्ष में योजनाओं को लेकर रार है, तकरार है, वार पलटवार है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस जिन योजनाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है, आने वाले समय में इन योजनाओं का क्या हश्र होता है। क्या वाकई ये योजनाएं खटाई में पड़ जाएंगी, या फिर मोदी की गारंटी के चलते चुनाव में किए गए हर वादे को पूरा किया जाएगा। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है। बीजेपी से प्रवक्ता मिलन भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। और कुछ ही देर में दो अन्य खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अनिल शर्मा जी और वरिष्ठ पत्रकार शायनी जी भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मिलन जी आपसे, कांग्रेस का सवाल है कि लाडली बहना योजना के संचालक पर आखिर बीजेपी कुछ बोल क्यों नहीं रही है, संचालक कौन होगा? जी, आपका सवाल फिर से पूछिए, आया नहीं से आवाज। भार्गव जी, मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस लगातार एक सवाल पूछ रही है सदन में कि लाडली बहना का जिक्र आखिर क्यों नहीं किया गया, आखिर संचालक कौन होगा? देखिए, तो वो कांग्रेस, देखिए पहले तो कांग्रेस को अपने आप को जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से फेलवर कांग्रेस हुई है और षड्यंत्र प्रपंच रच के चुनाव लड़ा, जनता ने जिस प्रकार से उनको नकारा है, यदि आज भी वो हकीकत से रूबरू नहीं हो रहे हैं और उससे भाग रहे हैं, तो ये कांग्रेस पर विवाद विचार करने का सवाल है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सवाल खड़ा, देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने अभिभाषण के दौरान ये साफ कर दिया है कि कोई भी जनहितकारी योजना, कल्याणकारी योजना बंद नहीं होगी। अब चूंकि कांग्रेस के पास झूठ और प्रपंच का ही सहारा है, चूंकि अपनी वो हार को भी ईवीएम पर यदि थोप रही है, तो ये बताता है कि वो षड्यंत्र प्रपंच से बाज नहीं आएंगे। तो वो एक नया षड्यंत्र रच रहे हैं कि बीजेपी की जितनी योजनाएं हैं उन पर आरोप लगाकर बोलेंगे। देखिए, हर माह 10 तारीख को यदि राशि लाडली बहनाओं के खाते में पहुंच रही है, तो ये बताता है कि योजना जारी है। अगले महीने की 10 तारीख का इंतजार करिए, इतना जल्दबाजी क्यों है कांग्रेस को?
क्योंकि प्रपंच रचना है, झूठ फैलाना है, भ्रम फैलाना है, अराजकता का माहौल प्रदेश में पैदा करना है, यही इनके राजनीतिक पैटेंट है और इसके लिए ही वे जाने जाते हैं। अब चूंकि कमलनाथ जी का ठेका खत्म हो गया, अब जीतू पटवारी जी नए ठेके पर कांग्रेस पार्टी को लाए हैं, तो अब कॉन्ट्रैक्टर को जिलों में कांग्रेस को बांटना है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो देना है, तो क्या होगा, कैसी रणनीति होगी, झूठ प्रपंच की, क्योंकि जीतू पटवारी वही है जो अपनी पार्टी अपने दल को कहते थे कि तेल लेने जाए, और जिस प्रकार के महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वालों को कांग्रेस पार्टी ने ताज रखा है, चाहे वो जीतू पटवारी जी हो, चाहे उमंग संगार हो या हेमंत कटारे, ये महिला बलात्कार, महिलाओं से व्यभिचार करने वाले आज हमसे सवाल पूछेंगे, पहला सवाल तो उनसे खड़ा होता है, जनता उनसे पूछ रही है, तो उनको बताना चाहिए कि आपका जो रणनीति का ग्राफ है वो महिलाओं से अपराध करने वाला है, महिलाओं से व्यभिचार करने वाला हो, क्योंकि आपके पूर्ववर्ती नेता भी महिलाओं को टंच माल आइटम जैसे शब्दों से प्रयोग करके बुलाते थे। एक नेता जो चुनाव हार गए इनके, वो तो यहां तक कहते थे कि महिलाएं जो है वो बच्चा पैदा करने की मशीन है। तो इस प्रवृत्ति के, इस नियत के लोग लाडली बहना जैसी पवित्र योजना पर सवाल खड़े करने का अधिकार नहीं रखते हैं। लेकिन जब मुख्यमंत्री का भाषण चल रहा था, नेता प्रतिपक्ष ने इस सवाल को दोहराया था कि लाडली बहनाओं पर कानून बना दिया जाए इतना ज्यादा, क्योंकि पिछले चुनाव के समय में जब हमने देखा बीजेपी लगातार कैंपेनिंग के वक्त में इस बात का जिक्र करती रही है, लाडली बहनाओं के हित की बात करती रही है, तो लाडली बहनाओं पर कानून बना दिया जाए ये एक मशवरा नेता प्रतिपक्ष का दिया गया था, लेकिन कुछ भी स्टेटमेंट बीजेपी की तरफ से नहीं देखा गया, सवाल इसलिए कांग्रेस का। देखिए कौन सा कानून की बात कर रहे हैं, देखिए अधिकारों की बात की जाए तो देश में आधी आबादी को अधिकार देने का काम यदि किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो 33% आरक्षण देकर मातृशक्ति को जिस प्रकार से एक समानांतर विकास की धारा से, मुख्य धारा से जोड़कर सदन में लाने की जो प्रक्रिया की है ये अभूतपूर्व है, या आज से पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन हमारी सरकार ने किया है, प्रयास किया है, हम यदि उनको कहीं ना कहीं लाभान्वित करना चाह रहे हैं, स्थान देना चाह रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि ये तो महिलाओं के प्रति किस प्रकार का घृणा का भाव रखते हैं ये भी देश और प्रदेश की जनता जानती है, तो नैतिकता के आधार पर इनका सवाल करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन चूंकि कानून की ये बात कर रहे हैं तो कांग्रेस तो सवाल करने का अधिकार तो शायद कांग्रेस का ही है, पटवारी भी जानते हैं। खैर अमित शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता है, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। अमित जी, अभी तक आपने भार्गव जी की बातों को सुना, कांग्रेस सवाल कर रही है कि लाडली बहनाओं का जो जिक्र है वो सदन में क्यों नहीं किया गया, हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से ये प्रतिक्रिया आ रही है कि धैर्य रखिए, अभी तो शुरुआत हुई है, बजट को लेकर के भी बातचीत होगी, सारी योजनाओं की तरह उसे भी इस पर भी जोर दिया जाएगा। अमित जी देखिए, सबसे पहले तो मेरे विद्वान साथी भार्गव जी महिलाओं के लिए बात कर रहे थे, कांग्रेस को चरित्र बता रहे थे, मैं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र, कुछ नेताओं के कुछ चरित्र बाद में बताऊंगा भार्गव जी को, लेकिन जो मूल प्रश्न है जो आज वाकई में लाडली बहना, सबसे पहले मैं बुशरा सबसे पहले ये आपको जानकारी दे दूं कि सरकार बनते से ही भारतीय जनता पार्टी का एक आदेश निकलता है सरकार की तरफ से कि जो लाडली बहना है उसमें पात्र और अपात्र बहनों का भी परीक्षण किया जाएगा, और उन पात्र अपात्र बहनों में से सरकार अपात्र बहनों को, उनके जो अपात्र बहनें हैं उनके नाम काटने का कार्य करेगी। ये आदेश 48 घंटे पहले बना, ये कांग्रेस नहीं कह रही, ये इनकी नई सरकार ने निर्देश दिए। अब सरकार कैसे चलती है, सरकार चलती है मैनोफेस्टो से। आज भाषण आप देखिए, जब सदन का पहला दिन था तो राज्यपाल जी ने लाडली बहनाओं का जिक्र कहीं नहीं करा। दूसरी बात, आपने वादे किए लाडली बहनों का, अब इनको पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस सदन में इस बात को क्यों उठा रही है। भाई 1250 रुपए दिए, सरकार आपकी बनी, बहनों ने आपका साथ दिया, शिवराज जी को भले ही आपने भगा दिया लेकिन बहनों को तो उनका अधिकार आपको देना होगा, और बहनों के अधिकार आपको देने से आप क्यों मुकर रहे हैं? आप सदन में नेता, सदन मुख्यमंत्री जी है, क्यों नहीं कह रहे खड़े होके सदन के अंदर कि मैं अपनी मध्य प्रदेश की सारी बहनों को, सारी लाडली बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि 1250 रुपए कहा था और जो हमने चीख चीख के 250 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, जिसमें यह कहा गया था कि 10 तारीख आ रही है, अब फिर अगले महीने की 10 तारीख आ रही है, उसमें बहनें 10 तारीख को अपने अधिकार को, जो उनने अपना वादा पूरा किया,
अपना रिश्ता निभाया, उस रिश्ते की सौगात से वो अपनी 10 तारीख का इंतजार 3000 रुपए महीने से कर रही है। अब सरकार इधर उधर की बात कर रही है। अब आए भार्गव जी के कुछ चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे थे, मैं इस हांडी में से दो चार चावल निकालकर भार्गव जी को भारतीय जनता पार्टी के चरित्र के बारे में बता दूं कि पत्थर उनके घर में फेंके जिनके खुद के घर कांच के ना हो। तो अब भोपाल शहर में ध्रुवनारायण सिंह जी को टिकट दिया था, अब उनकी बात मैं कहूंगा नहीं, उनके चरित्र के बारे में भार्गव जी बोल नहीं पाएंगे, मिलन जी उनको बेहतर जानते हैं। अब दूसरी बात आ जाइए कैलाश विजयवर्गीय जी, इंदौर शहर के अंदर उन्होंने भरी मीडिया में कहा था अगर बहनें हमारी और लड़कियां चुस्त कपड़े पहनेंगी तो निगाह तो जाती है। इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग अगर ये कांग्रेस के नेताओं को सिखाएंगे, और मैं समझता हूं कि दूसरी बात भार्गव जी, एक मैं तीन दिन से देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग हैं वो बड़ी हल्की बात मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के बारे में कर रहे हैं। अरे हमने भी अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, सम्मान से बात करा, शिवराज जी का सम्मान से बात करा, अरे आपके बराबर नहीं है, एक वो कोई व्यक्ति जीतू पटवारी नहीं है, अब वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दो बार के विधायक, मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और जाबाज नेता जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे ख्याल से तो सम्मान से नाम ले, बात करें, आलोचना जरूर करें, लेकिन मेरे ख्याल से जो संस्कार सभ्यति की बात भारतीय जनता पार्टी के कैरेक्टर के लोग बात करते हैं ये शोभा नहीं दे रहा। दो तीन दिन से मिलन भाई तो निश्चित तौर पर शालीनता से बात करते हैं, सभ्य है और अच्छे वक्ता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं दूसरी बात कि लाडली बहनाओं के आज सिलेंडर का इंतजार कर रही है, 1,32,00,000 बहने इंतजार कर रही है 450 रुपए के सिलेंडर का, ये कांग्रेस नहीं कह रही। लेकिन मिलन जी इस बात को बुशरा, अगर कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में आवाज नहीं उठाएगी तो क्या गुनाह कर रही है। आज इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर जो है जो सदियों सालों से लगी थी उसको परिवर्तन कर दिया, और ये उत्तर दिया कि उसमें दीवार में सीलन थी। दीवार में सीलन नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के नियत में सीलन है, इसीलिए सारी चीजें हो रही। ठीक है अमित जी, भार्गव जी आपकी बात का जवाब देना चाह रहे हैं, और ये अगला सवाल मेरा भी रहने वाला था कि 31,00,000 महिलाओं को 400 रुपए में सिलेंडर देने की बात बीजेपी ने कही थी, लेकिन अब तक फायदा सिर्फ 22,00,000 महिलाओं को हुआ है। तो मतलब आप ये तो स्वीकार कर रहे हैं कि 22,00,000 महिला इसके लिए पात्र हो, मिलना चालू हो गया, तो कांग्रेस को मित्र को ये आंकड़े सुनना चाहिए। एक प्रतिष्ठित दल पर एंकर तारीख भी जब मिल रहा है तो आप नकारने का और झूठ प्रपंच क्यों फैला रहे हैं। रही बात आपके नेता के व्यक्तित्व की, देखिए व्यक्तित्व का बकाम करने का दिक्कत हमारे पास नहीं, आप करिए, लेकिन उस व्यक्तित्व में ही इस मध्य प्रदेश की जनता ने ही देखा, जब आपके ही जीतू पटवारी जब चुनाव लड़ते हैं 2018 में उनके वक्तव्य थे कि नहीं, आप ये बताइए कि उन्होंने कहा था नहीं कहा था कि पार्टी जाए तेल लेने, मतलब मेरा ध्यान न की पार्टी जाए तेल लेने, ये कहा था कि नहीं कहा था इस पर बताइए। दूसरी बात, जब वो मंत्री थे तो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को जूते मारे के नहीं मारे, गाली बकी के नहीं बकी, ये बता दिए। देखिए ये चरित्र उनका है जो दिखता है, महिलाओं के प्रति जो व्यभिचार और जो बलात्कार जैसे अपराध दर्ज आपके नेताओं पर है और उन्हीं को आप ताजपोशी कर रहे हैं, ये तो प्रश्न चिन्ह आप पर खड़ा हो रहा है, इसकी सफाई आपको देनी होगी। क्यों, आपके नेताओं का चयन किस प्रकार का है, मतलब किस प्रकार का सक्षम नेतृत्व देने का काम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, सोनिया जी और प्रियंका जी कर रही हैं, तो ये तो बताना चाहिए। स्वीकारिता है तो कमलनाथ जी क्यों नदारद है, मतलब जनता ने पहले नकारा फिर कांग्रेस पार्टी ने उनको इस प्रकार से बेइज्जत कर भगाया है कि वो दिख ही नहीं रहे, कहां है कमलनाथ जी, ढूंढ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता। और जिस दिन पीसीसी में नियुक्ति होती है उसी दिन आपके पीसीसी दफ्तर में क्यों कमलनाथ जी के सलाहकार की नेम प्लेट जाती है पीसीसी में, तो लेकिन मुद्दे से भटकने की कोशिश ना हो। मैं चाहती हूँ कि आज सदन की कार्यवाही और सदन में दिए अभी भाषण को लेकर सवाल थे तो उस पर ही बातचीत होनी चाहिए। कमलनाथ जी कहाँ है इस बात की मिलन भाई, चिंता मत करिए, आपको चिंता इस बात की करिए, जो आपने वादे किए हैं जनता देख रही है, आप उसे पूरे करिए और सदन में खड़े होकर बोलिए इस बात को, और मामले दर्ज है कि नहीं ये सफाई दीजिए, ये तो सफाई तो देना पड़ेगी ना आपको, ये तो मामले हैं। और यही यदि आपके पैमाने हैं कि नेता वही चुना जाएगा जो अपराध में नंबर वन हो, जो पार्टी की पार्टी को लेकर, अरे आपने आपने मिलन भाई आप जो सनातन और हिंदू की बात करते हैं, आपने उस घर की परिवार की लड़की को टिकट दे दिया जिसके पिता ने रामायण जलाने का काम किया, अब सोच के बिल्ली हज को चलने की बात कर रहे हैं। कोशिश ना हो मिलन जी और अमित जी आपके पास लौटूंगी, शायद जैसे रिएक्शन ले लेते हैं, लौट रही हूँ अमित जी आपके पास, आप अपनी बात को रखिएगा, पहले शायनी जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं।
प्रतिबद्धता के साथ पूरा करने का हमारे नेताओं ने आपकी सरकार बन गई, मुख्यमंत्री बन गए, एक से एक संकल्प 3000 का संकल्प दोहराने की आवश्यकता नहीं है, घोषणा की आवश्यकता नहीं है। आप 3000 रुपए बहनों के 10 तारीख को डाल रहे कि नहीं डाल रहे? बने तो कार्यकाल, अरे 10 तारीख आ रही है, क्या है लेकिन भाई 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख 250 करोड़ प्रकाशन में खर्च करे आपने, 10 तारीख आ रही है, बहने 3000 का इंतजार कर रही है, हाँ या ना में जवाब दीजिए जनता को। हम भी देंगे, हमने दिए भी और देंगे भी, आपने तो बहुत प्रपंच रचे। 3000 का इंतजार कर रही है, बहने 10 तारीख आ रही है। आपकी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी थे जो पत्र लिख रहे थे इस योजना को बंद करने का, लेकिन हमारी इसी सरकार, अब आप कर दोगे? वो तो पत्र लिख रहे थे, अब आप कर दे, राशि भी दी। 450 का सिलेंडर भोपाल में किस एजेंसी में मिल रहा है पता बता दीजिए तो मैं कुछ बहनों को भेज दूंगा। विकास कर पाए, हमें मालूम है आपकी तकलीफ। मिलन भाई 450 रुपए का सिलेंडर, ठीक है मिलन भाई, और किस एजेंसी जी लौट रहे हैं आपके पास? शाइनी जी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। शाइनी जी शाइनी जी आपसे रिएक्शन चाहूंगी कि जो पूरा सिनेरियो विधानसभा में चला, बयानबाजी का, लाडली बहना योजना को लेकर कांग्रेस जो सवाल उठा रही है उस पर एक प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगी। जी ये कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे, ये एक पॉलिटिकल इशू बना रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी चुनाव के पहले इस तरह के लुभावने दिखाकर जो भी वादा करते हैं और इससे चुनाव में जीतते हैं, चुनाव जीतते, पर चुनाव जीतने के बाद ये एक चीज कांग्रेस ने भी पहले करी थी, अगर आपको ध्यान हो 2018 में किसानों का ऋण माफ कर देंगे और आपने देखा कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ था। तो जनता जो है सब चीज समझती है और जनता को आप सोचोगे कि इस तरह के लुभावने वादा करके फिर उसके बाद उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे, उसके बारे में कोई योजना के मतलब निर्णय नहीं लेंगे, तो इससे क्या है कि वही हालत बीजेपी की भी होगी जो कांग्रेस के 2018 में हुआ था। 2018 में 2.5 साल में कांग्रेस गिर गई और उसके बाद जब बाय इलेक्शन हुआ तो सारे कांग्रेस छोड़ के जो गए थे वो चुनाव जीत गए कुछ लोगों को छोड़ के, तो और इसके बाद ये चुनाव भी जो जीता है वहां पे बीजेपी ने यही बात कही थी कि मतलब कमलनाथ ने आपका किसान योजना, किसान का जो ऋण माफ करना था नहीं किया, तो अब ये जो है योजना महिलाओं का जो वोट लेकर जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, तो उसके बाद इन योजनाओं के बारे में चर्चा नहीं करना कहीं ना कहीं जनता के मन में शक और विश्वास जो है कम करता है। मैं ये अब ये करेंगे नहीं करेंगे आगे की बात है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बारे में स्पष्टीकरण आनी चाहिए सरकार के तरफ से। दूसरी बात है जब मोदी की गारंटी की बात करते हैं, 2024 में चुनाव आ रहा है अभी और इनके पास समय ज्यादा नहीं है, तो अगर ये चुनाव से पहले जितने समय रहते हुए इस योजना को क्या सरकार का क्या दृष्टिकोण है इस योजना के प्रति और किस तरह से लागू करने वाले, 3000 दे रहे हैं, 1200 देंगे या इसको खत्म कर रहे हैं, जो भी चीजें हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि 2024 में मोदी की गारंटी वो विश्वास पे जनता जो है वो चुनाव के लिए निकलेगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जिस योजना के बिना पर विधानसभा चुनाव जीती है बीजेपी उसका जिक्र करना कैसे छोड़ सकती है, और मैनिफेस्टो को लेकर लगातार अमित जी भी सवाल उठा रहे हैं कि जो मैनिफेस्टो में जिक्र किए थे, बार बार जिन योजनाओं का जिक्र कर रही थी बीजेपी, अब वो कहीं उनके उनके नेताओं की जबान से गायब कैसे हो गए? देखिए जब जिस योजनाओं की आप बात कर रही है 2003 से 2023 में आज हम बैठे हैं, लगातार हम जनहित और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की दम पर बावरेदार आशीर्वाद लेकर आ रहे हैं, तो उस पर अविश्वास कौन पैदा कर रहा है जिनके प्रति जनता को भी विश्वास नहीं रहा, जितने जनता को नकारा है, आज वो किस आधार पर विश्वास की बात कर रहे हैं, मैं सवाल उनसे खड़ा कर रहा हूं। रही बात योजनाओं की, आने दी 10 जनवरी के बाद 11 जनवरी बैठ जाएंगे आप, हम विमर्श कर लेंगे, जो हमारे नेतृत्व कह रहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं हो रही तो ये तरह काफी है, और जब इस पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आगामी तारीख का इंतजार करिए, तो बैठेंगे विचार विमर्श करेंगे, यदि ऐसा नहीं हुआ तो। जब हम ताकत के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अपने संकल्प पत्र के साथ प्रतिबद्ध है और उसको एक एक संकल्प को पूरा करने के प्रति सरकार आगे बढ़ भी गई है, पहला संकल्प हमने पूरा कर दिया है, किस प्रकार से एक हफ्ते के अंदर हमने पूरा करने का काम किया है, तो ये तो सरकार बता रही है कि किस मोड में जा रही है, और डबल इंजन की सरकार है, विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी, कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अमित जी, जिनके दिमाग खराब है, लगातार कहना है
कि अपने वादों से मुकर नहीं रही है बीजेपी। हर एक वादा, हर एक संकल्प पत्र में की गई चीजें उनके लिए गीता समान है। ये खुद मुख्यमंत्री अभिभाषण में कहते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर गरीबी का जिक्र हर बार कांग्रेस करती आई है। 70% लोग गरीब हो गए, इस बात का जिक्र कांग्रेस करती आई है। बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि जिनके खुद के कपड़े प्रेस होने के लिए विदेश जाते हैं वो गरीबी की बात क्या करते हैं? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जिक्र मिलन भाई कर रहे हैं कि जिनके खुद के कपड़े विदेश प्रेस होने जाते हैं। वरिष्ठ पत्रकार भी बैठी और पूरा देश देख रहा है आपके चैनल को कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पारिवारिक, चूंकि समृद्ध और विकसित परिवार से थे, लेकिन मोदी जी कितने विकसित परिवार से थे यह देश जानता है, जो 10-10 लाख रुपए के पेन रखते हैं और जिनके मेरे ख्याल से पीएमओ के द्वारा दिए गए जवाब में इन 9 वर्षों में करीब करीब 50-100 करोड़ के ऊपर के आसपास का जो खर्च हो चुका है। और जो प्रधानमंत्री, सुन लीजिए मिलन जी, सुन लीजिए, जो प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ रुपए का, जो प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ रुपए का प्लेन खरीदता हो और वो इस तरह की बातें करेंगे। अब मुद्दे पर आ जाए, अब मुद्दे पर आ जाए, मुद्दा ये नहीं है। देखिए, अब ये भटकने की बात नहीं है मिलन भाई, अब मुद्दे पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। बुशरा जी, अब ये मुद्दे पर आ जाए, इनको मेहरबानी करके कहिए, ये इस तरह की दाएं बाएं जाएंगे, ये आदत है भारतीय जनता पार्टी, ये आए दाएं बाएं इधर घूमेंगे। मैं मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ, मुद्दे पर आए मिलन जी, अब पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, इंदिरा गांधी पर ना जाए, मुद्दे पर आए। अभी जिस पर आपकी सरकार बनी है मुद्दे पर आए, आप एक बड़े राजनीतिक दल है शोभा नहीं देता, मुद्दे पर आइए मिलन जी, मुद्दे पर बात करिए। विकास आधारित सरकार है, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर गारंटी है बुशरा जी, इसलिए जनता आप कहेंगे मुद्दे पर बात करें, विश्वास हासिल कर रहे हैं, यही हमारी काबिलियत है। और मुद्दे पर ही बात होनी चाहिए मिलन जी, लौटूंगी बात पूरी हो जाने दीजिए, पहले बात पूरी चर्चा होगी या दूसरी राजस्थान भाग जाएंगे, मुद्दे पर आए। अब आपने जो प्रश्न करा है, बंद करेंगे क्या आपके, सबसे बड़ी बात आज इन्होंने ये क्या कहा था मैनिफेस्टो में कि हम लाडली बहनों को सरकार बनेगी 3,000 रुपए देंगे, आपने कहा था 450 रुपए देंगे। अब आपने 4 लाख करोड़ रुपए का लोन पहले से ही है, 15,000 करोड़ रुपए का जवाब कीजिए, लोन सिर्फ आप सरकार ले सकती है ओवरड्राफ्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज सदन के अंदर 3 दिन से सदन लग रहा है, कांग्रेस जवाब पूछ रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप तारीख बताइए कि आपने जो आपके वचन पत्र में जो जनता से वादे किए थे, जनता ने आपको जिम्मेदारी दी, आपको सरकार में बिठाने का काम किया, अब आप पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद कर रहे हैं, अब आप दिग्विजय सिंह को याद करेंगे, अब आप और राजस्थान चले जाएंगे, फिर जम्मू कश्मीर चले जाएंगे, राम मंदिर पर चले जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, लाडली बहना अपना अधिकार मांग रही है। पहली कैबिनेट में मुख्यमंत्री जी ने अगर मंशा और नियत साफ थी मिलन भाई, तो 3,000 रुपए पहली कैबिनेट में ऑर्डर आपको करने थे, 450 लोगों के, आप कह रहे हो कि 22 लाख लोग, अरे शर्म आनी चाहिए सरकार को, 1,32,00,000 रजिस्टर्ड है आपकी सरकार में, और उसके बाद सरकार में रजिस्टर्ड होने के बाद आपको ऑर्डर निकालना चाहिए था। बातें बंद करिए, लिखित में सरकार का कैबिनेट में ऑर्डर निकालिए, प्रस्ताव पास करिए, ये मेरा आग्रह। सिर्फ सत्ता को हासिल करने के लिए राजनीति नहीं करते, जनता के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, सच सुनिए, अरे सुन लीजिए, आप दोनों ही से निवेदन करूंगी कि एक एक करके अगर बोलेंगे तो कम से कम आप दोनों ही के बाद में समझ पाऊंगी। अमित जी लौट रही हूँ आपके पास, समय की भी कमी है, बात पूरी हो जानी चाहिए। मुझे उसका उत्तर आपने बुलाया है तो मुझे विपक्ष के नाते उसका उत्तर देना चाहिए। आप देखिए, मिलन भाई भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे सरकार सदन में भटका रही है, ऐसे मिलन जी यहाँ पर भटका रहे हैं। प्रश्न तो आप पर भी खड़ा हो गया भाई, इसी तरह आपकी सरकार सदन के अंदर भटका रही है 3-4 दिन से, गुमराह कर रही है बहनों को, गुमराह कर रही है किसानों को, गुमराह कर रही है नौजवानों को, और यहाँ आप गुमराह कर रहे हैं मीडिया में बैठ के। तो अब आप सच सुनिए और जनता महिलाओं तरफ सच सुनना चाहती है। अत्याचार किया हो, मर्यादित टिप्पणी कही हो,
वो किस प्रकार से महिलाओं के सवाल करेंगे? देखिए, महिलाओं के उत्थान के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, करके दिखाया और करके दिखाएगी। प्रतिबद्धता खत्म हो चुकी, अब तो कैबिनेट में प्रस्ताव पास करिए जिससे हम आपके यहाँ बैठ के प्रशंसा कर सकें। जब आप भार्गव जी, चर्चा की शुरुआत में आपने जैसा कि कहा था कि बीजेपी अपने हर बात को पूरा करेगी, धैर्य रखिए, लेकिन कांग्रेस का सवाल यही तो है ना कि जो प्रमुख बातें अपने संकल्प पत्र से लेकर आज तक बीजेपी करती आई है, तो जो प्रमुख चीजें थी उनको उन पर सबसे पहले बोलना चाहिए था, जिसकी बिना पर ये चुनाव निकाला है बीजेपी ने, तो कम से कम उस पर इतने, कल बुधवार के दिन जब राज्यपाल का अभिभाषण सुना तब भी कोई जिक्र नहीं, और कम से कम मुख्यमंत्री से उम्मीद थी कि इस योजना को लेकर के वो बात करें। आपने क्योंकि शुरुआत में जिक्र किया था कि उस पर भी बजट बनेगा और बात होगी, लेकिन जिक्र तो करना चाहिए था, यही सवाल कांग्रेस का है। नहीं, कांग्रेस का सवाल है या न्यूज स्वराज एक्सप्रेस का सवाल है? जी नहीं, ये आप आरोप नहीं लगा सकते। ये सवाल थोड़ी देर पहले अमित शर्मा जी ने आपसे पूछा है, आप ऐसे नहीं कह सकते, अपने शब्द वापस लीजिए। आप तो महिलाओं के प्रति क्या भावना रखते हैं, उनका जवाब तो मैं दे चुका हूँ। थोड़ी देर पहले अमित शर्मा जी ने आपसे यही सवाल पूछा है, अपने शब्द पहले आप वापस लीजिए जी, अपने शब्द पहले आप वापस लीजिए कि ये सवाल स्वराज एक्सप्रेस का नहीं, अमित शर्मा जी का है। थोड़ी देर पहले उन्होंने सवाल पूछा है आपसे। नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, सवाल उनका है कि आपका, दोनों का? अमित शर्मा जी ने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा है आपसे। अमित शर्मा जी के जवाब मैं दे चुका हूँ, अमित शर्मा जी ने जवाब नहीं दी जो उनसे पूछे थे उनके नेता के बारे में, उनके दल के बारे में, वो जवाब दे नहीं पाए। अब किस नियत से वो सवाल सरकार से कर रहे हैं, उनसे नियत स्पष्ट कर लीजिए, क्योंकि उनकी नियत में तो खोट है। रही बात स्पष्टीकरण की, देखिए सरकार, नियत आपकी साफ है, आपकी नियत साफ है, हम समझ गए, लेकिन आप इंतजार लाडली बहना कर रही हैं। आज नीलम जी सुन लीजिए, वो भटकाने की कोशिश मत करिए, आप बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, आप सुनिए। मेरा निवेदन यह है कि सीधा सवाल जनता ये पूछ रही है कि सदन के अंदर आज घोषणा पत्र को राज्यपाल जी ने जब पढ़ा, उन्होंने लाडली बहना का कोई जिक्र नहीं किया, ये कांग्रेस नहीं कह रही। दूसरी बात, सदन में जब नेता, सदन माननीय मुख्यमंत्री जी जब बोलने खड़े हुए, तो लाडली बहना का मुख्यमंत्री जी ने ना जिक्र करा, ना उन्होंने तारीख का जिक्र करा, ना तारीख बताई कि मेरी बहनें चिंता ना करें, 10 तारीख आने वाली है, सरकार आपने बनाई है, मैं धन्यवाद करता हूं, और 3,000 रुपए उन्हें मिलने वाले। दूसरा प्रश्न, 450 रुपए में जो गैस का सिलेंडर आप देने वाले हैं 1,32,00,000 बहनों को, जी बता दी ना, उसमें उसमें जो आप देने वाले हो उन बहनों को एक सुन लीजिए, भोपाल में और मध्य प्रदेश में किस जगह ऐसी एजेंसी है जिसमें बहने जाकर 450 रुपए में सिलेंडर ले सके? तीसरी बात, आपने किसानों के आज कर्ज माफी की बात कही है, वो किसानों को कर्ज माफी और लाभ, समय की कमी, एक छोटा सा रिएक्शन शाइनी जी से मैं चाहूंगी, समय की कमी है, शाइनी जी संक्षेप में एक जवाब, पटवारी भर्ती से लेकर वो कब, शाइनी जी छोटा सा रिएक्शन, समय की कमी है। सिर्फ इतना कहूंगी, ये जो योजनाओं की बात करते हैं, इससे पहले बजट का क्या सिचुएशन है ये स्पष्ट होना चाहिए। जो बजट है मध्य प्रदेश का, उसके चलते अगर 3,000 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा तो पूरा मध्य प्रदेश का बजट जो है वो तरमरा जाएगा। इसलिए जो भी योजनाएं चुनाव के पहले इस तरह के बहुत लुभावने वादे किए जाते हैं, और वो मैनिफेस्टो में बीजेपी ने शायद पूरा 3,000 का मेंशन में नहीं किया था, उन्हें होर्डिंग वगैरह लगा दिया था। आप बताएं कि मतलब अगर आपने ये इम्प्लीमेंट करते हैं तो बाकी सारे जितने स्कीम है उस पर प्रभाव करेगा वो, और वो चल नहीं पाएंगे। और अगर महिलाओं को नहीं देते हैं तो चुनाव में जो वादे किए हैं वो हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी वादे करे थे, अब कांग्रेस नहीं आई सरकार में तो इसलिए उनको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी क्योंकि सरकार में आई है तो आज बीजेपी को इसके बारे में जवाब भी देना चाहिए, और योजनाओं कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, बजट कहां से लाएंगे, इसके लिए भी स्पष्टीकरण होना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शाइनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अमित जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और मिलन जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहरहाल योजना को लेकर सवाल और बवाल जारी है, वहीं कांग्रेस योजनाओं को लेकर सवाल पर सवाल कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी और सरकार के दावे कितने धरातल पर मजबूती के साथ उतरते हैं। पीएम मोदी की गारंटी को क्या वाकई मूल रूप दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। बहरहाल हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।